अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमदद इंजीनियरिंग वर्कर्स। दोस्तों, हमारे पास एक यूपीएस आया है रिपेयर होने के लिए। कस्टमर के कहने के बकौल चार्जिंग नहीं कर रहा। चलो देखते हैं, खोल के और आपके साथ भी शेयर करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और अब इसको मेन सप्लाई 220 दे के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये 220 वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। और ये चार्जिंग पिन पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब इसका बोर्ड खोल के नीचे प्रिंट की तरफ देखते हैं क्या मसला है। ये जो इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ जो ट्रिकिंग चार्जिंग है, इसको अपनी मर्जी के हिसाब से आप जितने वोल्टेज पे सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसको मल्टीमीटर की मदद से दोबारा चेक करते हैं किस जगह पे फॉल्टी है। ये इसकी मेन 220 इनकमिंग तार है जो वोल्टेज पूरे दे रही है, लेकिन हमारी जो चार्जिंग रिले है वो वोल्टेज आउटपुट नहीं दे रही। अब इसको निकाल के रिप्लेस करते हैं। तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं वापटा के वोल्टेज बहुत लो है, जिसकी वजह से सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। जो ये छोटी वाली चार्जिंग रिले लगी है, मैं इसको रिप्लेस करने लगा हूँ। रिले को रिप्लेस करने के बाद इसको मैं सोल्डिंग करने के बाद दोबारा चेक करूँगा कि आया हमारे वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।
वोल्टेज लो होने की वजह से सोल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको दोबारा 220 सप्लाई दे के चेक करते हैं कि आया हमारे रिले काम कर रही है नहीं कर रही। ये मेन 220 वोल्टेज हो गए। जो आज 287-290 के राउंड अबाउट आ रहे हैं और ये रिले के पिन के हो गए और ये रिले के आउटपुट के पिन के जो हो गए वोल्टेज वो रिले ने काम शुरू कर दिया तो 187 आउटपुट दे रहा है। और ये मैंने अब इसकी चार्जिंग चेक की है तकरीबन आउटपुट 6.5 के राउंड अबाउट एम्पीयर चार्जिंग कर रहे हैं। अब इसको मैं दोबारा फिक्स करने लगा हूँ। दोस्तों ये इमरान ब्रदर वालों का बोर्ड है, बहुत अच्छा बोर्ड है, टोटली सॉफ्टवेयर कंट्रोल है और इसमें फ्रंट पे एलसीडी भी दी हुई है, जो भी मोनोग्राम है इसका जो भी वर्क करता है वोल्टेज बैटरी वोल्टेज तमाम इसका डिस्प्ले फ्रंट पे आता है। मैं इसके एम्पीयर सेटिंग और यूपीएस के आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग करने लगा। अभी आपको बताता हूँ कैसे ये करनी है। ये अभी तकरीबन 156 वोल्टेज चार्जिंग दे रहा है। तकरीबन इतने चाहिए क्योंकि जिसने ट्रांसफॉर्म वाइंड किया हुआ है उसने इसकी चार्जिंग 150 पे दी हुई है। ये मैं आप वेरिएबल को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मेन वोल्टेज की है। जिस वक्त आपके वोल्टेज लो हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने 170 या 180 पे रखे हुए हैं, 170 या 80 से डाउन होंगे तो जो आपका वापटा ऑफ हो जाएगी, यूपीएस ऑन हो जाएगा। और जैसे ही 180 से ऊपर या 220 तक जाएंगे जो ऑटोमेटिक यूपीएस ऑफ हो जाएगी, वापटा आपकी पास आउट हो जाएगी। ये मेन लो वोल्टेज के लिए होती है। और ये जो वेरिएबल लगी हुई है ये यूपीएस के वोल्टेज कंट्रोल के लिए होते हैं। आपको जितने यूपीएस के वोल्टेज आउटपुट चाहिए, 220 चाहिए, 230 चाहिए, उस पर आप सेट करने हैं। मैंने इसको 226 पे किया सेट, यानी कि 226 पे। और इसके साथ जो वेरिएबल लगी हुई है वो आपका लोड कंट्रोल वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे आपका 1000 वाट का यूपीएस आपने उसको 700 वाट पे सेट किया, जैसे ही आप 800 वाट इस पे लोड डालेंगे तो यूपीएस आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और उसके साथ जो लगी है वेरिएबल वो आपकी चार्जिंग एडजस्टेबल है, जितने एम्पेयर आपने चार्जिंग करवानी है बैटरी वो उसके साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, रब रखा।